और जैसे आपका आर्ट रेडी हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट इसने आर्ट जनरेट किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो 27 मार्च को मिड जर्नी ने अपना ट्रायल वाला फीचर हटा दिया, जिस पर मैंने पहले ही इस वीडियो में बात की है, पर मैं आपको आज एक न्यू मिड जर्नी प्रोवाइड करूंगा। दैट्स मीन मिड जर्नी के एक ऐसा अल्टरनेटिव जो हूबहू मिड जर्नी की तरह है। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो अगर आप फुल वॉच कर लोगे तो आप मिड जर्नी को भूल जाओगे। सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आपको सबसे पहले एक डिस्कॉर्ड ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका जो जो स्टेप आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो आपको वो फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पीसी ब्राउजर में आ जाना है और उसके बाद आपको सर्च करना है ब्लू विलो AI। देन आपको जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देन आपको कॉर्नर पे यहाँ पे एक ज्वाइन द फ्री बेटा शो कर रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे हमें मिड जर्नी में एक्सेप्ट इन्वाइट का इन्विटेशन आता था, यहाँ पे भी आपको सेम फीचर्स वही मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट इन्वाइट पे क्लिक करना है और ये डायरेक्ट आपको डिस्कॉर्ड के एप्लीकेशन में ले चला जाएगा। अगर आप पीसी या लैपटॉप यूज़ करें तो उसकी वेबसाइट पर लेकर आएगा। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सारा फीचर्स मिड जर्नी वाला मिल जाएगा। जैसे कि मिड जर्नी में हमें यहाँ पर ग्रुप मिलते थे, तो यहाँ पर आपको ग्रुप भी देखने में मिल जाता है। और आपको सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो मिड जर्नी में मिलता था, जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट चैट हो गया, और आपको यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह भी आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे सर्वर वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि हम वहाँ पे वाइज मिलता था, तो यहाँ पे आपको रॉकीज़ मिलता है, और रॉकी में आप जाके एक जनरल ग्रुप होता है जहाँ पे अपना आर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ आर्ट दिखाता हूँ, जो लोग यहाँ पे अपना आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आर्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग यहाँ पे कैसे आर्ट अपना यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सेम मिड जर्नी की तरह है, जैसे आप मिड जर्नी में वर्क करते थे सेम आपको वैसे ही यहाँ पे वर्क करना है। तो जैसे आप उसे क्या होगा, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, कोई काम सीखना भी नहीं। जैसे हम न्यू आर्ट कोई भी न्यू टूल ट्राई करते तो हमें कुछ सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, पर आपको जो भी है पहले वाला था वैसे सेम आपको यहाँ पर मिलेगा सारा सब कुछ फीचर्स। और ये अभी बिल्कुल फ्री भी है, मे बी फ्यूचर में ट्रायल वाला ऑप्शन आ जाए, आप इसको प्रीमियम कर दे, पर अभी ये फ्री है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो को यहाँ से छोड़ के नहीं जाइएगा, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर दे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इसे सेटिंग वगैरह कैसे करना है। मैं अभी आपको अपने सर्वर, जैसे कि एक पर्सनल सर्वर होता है, उसमें मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसमें इसको ऐड करके दिखाऊंगा। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग अपना आर्ट जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से आर्ट क्रिएट किया जा रहा है। और यहाँ पर भी आपको सेम वही फीचर मिलता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं U1, U2, U3, U4, अगर आप मिड जर्नी यूज किए होंगे तो सारा फीचर्स आपको वहाँ पर मिल जाता है, V1, V2, V3, V4, मतलब वेरियंट या अप स्केल उसका। तो आप देख सकते हैं सब फीचर्स आपको सेम वही मिल रहा है। और आपको यहाँ पे क्वालिटी देखा जाए आर्ट का, तो आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मेरा नेट स्लो चल रहा है, हॉस्टल से कनेक्टेड, तो बहुत ही लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। तो अगर क्वालिटी की बात किया जाए तो क्वालिटी भी आप देख सकते हैं इसका परफेक्ट है यहाँ पर। और ये जो भी आर्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ये भी परफेक्ट आर्ट क्रिएट कर रहा है। और बहुत से लोग यहाँ पे अपना आर्ट क्रिएट करके शेयर भी कर रहे हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, नॉलेज भी ले सकते हैं और आप अपना आर्ट भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं उस टाइप का। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से परफेक्टली आर्ट को जनरेट किया गया। सबसे ज़्यादा अगर आप ये बताओ तो ये एनआईएम अगर कैरेक्टर यहाँ पे आप जनरेट करना चाहते हो तो ये कैरेक्टर क्लिप हो जाता है, फेमस टूल है। ऐसा नहीं कि और चीज़ नहीं कर सकता। और मैं बता दूँ, ये अगर जब यहाँ पे इसका भी यूज़र बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को अपडेट करेगा मिड जर्नी की तरह, तो आपको बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कि आप अपने सर्वर, अपने पर्सनल सर्वर में इसे कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पे मैंने खुद का एक सर्वर बनाया है। अगर आपको नहीं पता कि डिस्कॉर्ड में कैसे आप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं खुद का, तो आप मेरे पिछले वीडियो देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ब्लू विलो को अपने सर्वर में ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको जब फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो आपको पर्सनलाइज आइकन शो करेगा। पहले से अपना सर्वर क्रिएट कर लिया तो आपको यहाँ पर जाना है और आपको जाना है ऐप डायरेक्ट्री में, और उसके बाद आपको यहाँ पर सर्वर सर्च करना है ब्लू विलो। जो फर्स्ट सर्वर आएगा उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू सर्वर पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको अपना यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करना है कि आपको किस सर्वर में इस बोर्ड को ऐड करना है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन ऑथराइज पे क्लिक करना है, और आपका सर्वर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी इमेज जनरेट करते हैं तो आपको सेम वही है, आपको फोटो सेलेक्ट यूज़ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इमेजिन वाला इसका एक आपको यहाँ पर मिल गया, ब्लू विलो का यहाँ पर सर्वर आ गया। यहाँ पर पहले हमारा मिड जर्नी का सर्वर आता था, वहाँ वैसे ही हमारा यहाँ पर ब्लू विलो का सर्वर आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब जो भी आपको प्रॉम्प्ट होगा यहाँ पे, जो भी प्रॉम्प्ट कोड होगा आपको यहाँ पे अपना देना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मार्ट कार्टून बॉय, तो एंटर करिएगा, तो ये आपका रिजल्ट, तो ये आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें थोड़ा अलग सा ये लिखता है कि आपको ग्रेट प्रॉम्प्ट, वी आर वर्किंग ऑन इट फॉर पास्ट रिजल्ट, ये मतलब अलग तरीका लिखता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और उसका तो आपका आर्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा।
और जैसे आपका आर्ट रेडी हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट इसने आर्ट जनरेट किया। जैसे देख सकते हैं आपको यहाँ पे हमें मी जर्नी की जरूरत भी नहीं पड़ा और इसने यहाँ पे हमें परफेक्ट आर्ट जनरेट करके दिया। और ये बिल्कुल फ्री भी है, यहाँ पे कोई भी आपका ट्रायल का ऑप्शन भी कोई यहाँ पे आपको कोई ट्रायल का झंझट नहीं। अब मान लो मुझे यहाँ पे यूट्यूब सही लगा तो मैं यूट्यूब पर सिलेक्ट करूँगा, दैट्स मीन यूट्यूब को अप स्केल करूँगा, यू का मतलब अप स्केल करूँगा। अब ये क्या होगा, उसे अप स्केल करेगा, फिर हम उसे डाउनलोड करेंगे जैसे मी जर्नी में करते थे। डैट्स आई इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।